जनरली जामुन शॉर्ट्स हम सबको बहुत ही पसंद होता है, तो आज हम कुछ ऐसा ही एक फालसा शॉर्ट्स बनाएंगे। और ये जो फालसा है वो स्पेशली समर सीज़न में अवेलेबल होता है, तो उसका इस्तेमाल करके शॉर्ट्स और जूस दोनों बनाएंगे। और ये बहुत ही टेस्टी लगता है और बनाने में बहुत ही सिंपल, क्विक एंड ईजी तरह से बनता है। तो चलिए फालसा शॉर्ट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। फालसा शॉर्ट्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम जितने फालसा लिए हैं। एक बाउल में ये जो फालसा है वो थोड़े से कच्चे पक्के हैं और दूसरे बाउल में ये जो फालसा है वो एकदम वेल राइप है। तो जब भी हम शॉर्ट्स बनाते हैं तो उसके लिए हमें अच्छे से वेल राइप फालसा हो उसका ही इस्तेमाल करना है, ताकि ये ज़्यादा शॉर्ट्स खट्टा ना लगे। ये जो फालसा है वो ज़्यादातर गुजरात और दिल्ली में आसानी से मिल जाता है, तो आप इसका इस्तेमाल करके इस तरह शॉर्ट्स बना सकते हैं। यहाँ पे हम 250 ग्राम जितने फालसा का इस्तेमाल करके ये शॉर्ट्स बनाएंगे। 10 से 12 जितने आइस क्यूब ऐड करेंगे। आइस क्यूब ऐड करने से जो शॉर्ट्स है वो एकदम चिल्ड बनता है। और उसी के साथ हम इसमें आधा ग्लास जितना एकदम चिल्ड वाटर ऐड करेंगे। 4 चम्मच शुगर, 1 चम्मच ब्लैक सॉल्ट और 1 चम्मच जितना चाट मसाला ऐड करेंगे। अब इन सबको अच्छे से ब्लेंड करके प्रिपेयर कर लेंगे। यहाँ पे आप शुगर की मात्रा अपने टेस्ट अकॉर्डिंग टू कम और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फालसा की एक फाइन प्योरी बन के तैयार हो गई है। अब ये जो फालसा है उसमें छोटे छोटे बीज रहते हैं, तो हमें इसे छान के ही इसका इस्तेमाल करना है। तो इसे हम जूस स्ट्रेनर में ऐड कर देंगे। फालसा एक ऐसा फ्रूट है जिसमें काफ़ी सारी मात्रा में विटामिन सी रहता है, डायबिटीज़ के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फरस, आयरन भी रहता है, तो ये हेल्थ के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा खट्टा मीठा रहता है, तो उसकी वजह से ये जो फ्रूट है वो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस तरह हम छान के प्रिपेयर कर लेंगे तो सारे जो सीड्स है वो निकल जाएंगे। अभी जो ये पल्प है वो बहुत ही गाढ़ा है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो इसमें आधा ग्लास जितना पानी ऐड करके इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लेंगे। तो ये जो पल्प है वो एकदम गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए शॉर्ट्स के लिए और एकदम पतला भी नहीं होना चाहिए। तो अभी हम फालसा शॉर्ट्स को सर्व कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इस तरह के छोटे से ग्लास लिए हैं। इसे हम सबसे पहले पानी में डिप करेंगे इसकी जो एजिस है उसे, और उसके बाद हम इसे ब्लैक सॉल्ट जो होता है उसमें इस तरह डिप कर लेंगे। तो इस तरह की एक रिंग बन के तैयार हो जाएगी। अगर आप इस स्टेप को स्किप करना चाहते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब ग्लास में हम एकदम चिल्ड सालसा शॉर्ट्स को सर्व कर लेंगे। इस फ्रूट का इस्तेमाल करके आप इसमें से पॉप्सिकल बना सकते हैं, मोहितो भी बना सकते हैं, वो भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे हमारा सिंपल क्विक एंड ईजी फालसा शॉर्ट्स बन के तैयार हो गया है। अब इसके साथ हम फालसा जूस कैसे बनता है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम ग्लास में आधा ग्लास जितना पानी ऐड करेंगे और आधा ग्लास जितना हमने जो शॉर्ट्स के लिए जो मिक्सचर बना के प्रिपेयर किया था वो ऐड कर देंगे। अब इसे हम चम्मच की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे फालसा जूस भी बन के तैयार हो गया है। आप इस समर सीज़न में ये रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है, खट्टा मीठा इसका टेस्ट आता है। मैंने आपके साथ और भी दो शॉर्ट्स की रेसिपी शेयर की हुई है, एक जामुन शॉर्ट्स और एक पान शॉर्ट्स, वो भी बहुत ही टेस्टी है। लेकिन इस तरह के जो सीजनल फ्रूट मिलते हैं उसका इस्तेमाल करके हमें इस तरह के शॉर्ट्स बना के पीना चाहिए, तो हेल्दी भी है और टेस्टी भी लगते हैं। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे ऐसे एक आसान सी रेसिपी के साथ दोस्तों।